देखिए, पीएम किसान सम्मान निधि योजना के नए आवेदन बहुत सारे रिजेक्ट हो रहे हैं, और रिजेक्ट होने का रीज़न यहाँ पर आप देख सकते हैं, रिजेक्टेड बाय स्टेट लिखा है, और रिजेक्ट होने का रीज़न लिखा हुआ है अप्रूव्ड बाय स्टेट थ्रू बुल्क XML अपलोड, ये लिखा हुआ है। इसमें रिजेक्ट हो चुका किसान का फॉर्म, यहाँ पर आप देख सकते हैं किसान ने 15/6/2020 में रजिस्ट्रेशन किया था, रिजेक्टेड बाय स्टेट दिखा रहा है, और पुराने लिंक से इसका स्टेटस चेक करें तो कुछ इस तरह से दिखा रहा है। किसान जैसे ही आधार नंबर इमेज को डालकर स्टेटस चेक करता है सेल्फ रजिस्टर का, यानी खुद से आवेदन करने वाला स्टेटस है। तो यहाँ पर किसान ने आवेदन किया था, यहाँ पर डेट देख सकते हैं 16/12/2019 में, और इसका रिजेक्टेड बाय स्टेट डिस्ट्रिक्ट सब डिस्ट्रिक्ट ब्लॉक लेवल से, और रीजन देखा है अप्रूव्ड बाय स्टेट थ्रू बुल्क XML अपलोड, ये रीज़न दिखा रहा है बहुत सारे किसानों का। चाहे आप अभी नया आवेदन करो, चाहे 2019 का आवेदन हो, चाहे 2020 का हो, चाहे 2021 का हो, बहुत जगह ये रीज़न देखने को मिल रहा है। और आज ये दो स्टेटस किसानों ने हमें टेलीग्राम पर भेजे थे, तो दोनों के मैंने आपको दिखा दिए हैं। ये कंडीशन है जिसमें रीज़न दिखाया गया है कि ये अप्रूव्ड बाय स्टेट थ्रू बुल्क XML अपलोड, इसकी वजह से रिजेक्ट हुआ है, और रिजेक्ट यहाँ पर हुआ है, ये फॉर्म देख सकते हैं, रिजेक्टेड बाय स्टेट डिस्ट्रिक्ट सब डिस्ट्रिक्ट ब्लॉक लेवल, और एक फॉर्म था जिसमें यहाँ पर स्टेट लेवल से रिजेक्ट हुआ है। इन दोनों स्थिति में किसान को क्या काम करना होगा, चलिए इसका सुधार हम आपको बताते हैं, जैसे पीएम किसान योजना का फॉर्म अप्रूव करवा सको। देखिए, मैं आपको पहले हिसाब से बता दूँ, इनका दोनों का ही ऑनलाइन कोई भी सुधार नहीं है। आप सोच रहे होंगे कि हम फॉर्म एडिट कर लें सेल पर एडिट से, तो वैसा नहीं होगा, फॉर्म खुलेगा ही नहीं आपका, और आप एडिट नहीं कर पाओगे, और दोबारा से आप डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं कर पाओगे। यहाँ पर जो रीज़न लिखा है, सबसे पहले इसमें रीजन जो लिखा हुआ है इसका मतलब जान लीजिए, उसके बाद इसका सुधार जान लीजिए। तो यहाँ पर लिखा हुआ है अप्रूव्ड बाय स्टेट थ्रू बुल्क XML अपलोड, कहने का मतलब है पीएम किसान योजना का फॉर्म आप जब भरते हो तो वहाँ पर आपके डॉक्यूमेंट भी अपलोड किए जाते हैं। पहले जब फॉर्म अपलोड किए जाते थे उसमें तीन डॉक्यूमेंट अपलोड करने होते, आधार कार्ड और ज़मीन की खतौनी जमाबंदी और आपका बैंक की डायरी का, तीन डॉक्यूमेंट अपलोड होते थे। अभी दो डॉक्यूमेंट अपलोड करने होते हैं, आधार कार्ड और जो आपका खतौनी है, दो डॉक्यूमेंट, पहले तीन होते थे। तो आपने जो डॉक्यूमेंट अपलोड किए हैं वो आपका पहले ब्लॉक में जाकर आपका पटवारी और जो कृषि अधिकारी हैं वो वेरीफाई करते हैं, उसके बाद आपके ज़िले में वेरीफाई होता है, उसके बाद स्टेट में यानी राज्य सरकार के पास वेरीफाई होता है। तो आपका जो वेरीफिकेशन का काम है, या तो ब्लॉक स्तर पर जो आपका पटवारी लेखपाल है वो आपकी XML फाइल होती है उसको वेरीफाई करने के बाद टिक करता है, और टिक करने के बाद आगे की जो आपका फॉर्म जाता है, उस समय अगर आपका ब्लॉक लेवल पर वेरीफाई हुआ होगा तभी जो आपके ज़िले के अधिकारी हैं वो आपका फॉर्म चेक करेंगे। अगर आपके ज़िले के अधिकारी उसे वेरीफाई कर देते हैं तो उसके बाद आपकी राज्य सरकार के अधिकारी वेरीफाई करेंगे। तो अब आपका वेरीफाई करने के बाद आपका जो खतौनी है, आपकी ज़मीन की जो दस्तावेज हैं वो वेरीफाई होने के बाद आगे जाते हैं। तो आपकी जो अभी बुल्क XML फाइल है जो आपने अपलोड की थी, वो आपके या तो लेखपाल ने वेरीफाई नहीं की है, या फिर ज़िले के अधिकारियों ने वेरीफाई नहीं की है, या फिर राज्य सरकार के अधिकारियों ने वेरीफाई नहीं किया। ये बुल्क XML फाइल जब वेरीफाई हो जाती है, अब आपके लेखपाल चाहे उसने पेंडिंग में रखा हो, चाहे आपके जिले के अधिकारियों ने रखा हो, वेरीफाई होने के बाद ही राज्य सरकार की तरफ से आपको अप्रूव मिलता है, अप्रूव्ड बाय स्टेट थ्रू बुल्क XML अपलोड, यानी बुल्क XML फाइल अपलोड होने के बाद ही राज्य सरकार की तरफ से अप्रूवल मिलेगा। अब आपको चेक किस तरह से करना है कि कहाँ पर पेंडिंग है, किस तरह से सुधार करना है, चलिए वो हम आपको बताते हैं। तो मैं आपको एक बार और भी बता देता हूँ, हो सकता है कि ये वेरीफाई इसलिए ना किया हो आपके लेखपाल ने, आपके जो ज़िले के आपके ब्लॉक के अधिकारी ने, क्योंकि हो सकता है कि आपने कोई दो बार आवेदन कर दिया हो, या फिर आपने संशोधन करवाया हो तो आपने दोबारा दस्तावेज़ दिए हो, तो पहले वाले आपके जो दस्तावेज फॉर्म में आपने ऑनलाइन अपलोड किए थे उसके बाद आपने या फिर ऑफलाइन दिए हो, या फिर दोबारा से आपने फॉर्म एडिट किया हो, तो उस स्थिति में अगर आपके डबल डॉक्यूमेंट हो जाते हैं, या फिर आपके परिवार में दस्तावेज़ मैच करते हो, या फिर किसी भी स्थिति में अगर आपके पीएम किसान में दस्तावेज वेरीफाई नहीं हो रहे हैं, तो उस स्थिति में आपका लेखपाल या फिर आपका जो जिले का अधिकारी, अगर दस्तावेज चेक करने के बाद उसे कुछ प्रॉब्लम लगती है, या फिर कोई डबल लगता है, डुप्लीकेट लगता है, तो वो वेरीफाई नहीं करेगा वहां तक आपका जो है वो राज्य सरकार की तरफ से अप्रूव नहीं मिलेगा, तो ये प्रॉब्लम भी हो सकती है। तो इसके लिए आपको सबसे पहले ब्लॉक में पता लगाना होगा, ब्लॉक में आपको जाकर एक एप्लीकेशन देनी होगी, सर मेरी ये समस्या है, इसकी वजह से मेरा फॉर्म अभी पेंडिंग है, मुझे पीएम किसान योजना का
पैसा मिलना स्टार्ट नहीं हुआ है। तो अप्लीकेशन दीजिए, वहाँ पर अधिकारी आपको रिस्पॉन्स देंगे। अगर वहाँ पर सब कुछ सही होता है, वो बोलते हैं कि हमारी तरफ से सब ओके है, तो आपको अपने ज़िले में जाना होगा। अब ज़िले में हो सकता है कि आपका फॉर्म पेंडिंग में हो, वहाँ पर आपकी XML फाइल अपलोड ना हो, वहाँ पर वेरीफाई ना हो, तो वहाँ पर जाकर आपको पता लगाना होगा। उसके बाद आपको पता चल जाएगा कि आपका फॉर्म कहाँ पर पेंडिंग है, उसे आपको फिर से वेरीफाई कराना है ओरिजिनल दस्तावेज के माध्यम से। वेरीफाई कराने के बाद आपकी जो XML फाइल है वो अपलोड हो जाएगी, उसके बाद आपका स्टेट से अप्रूव हो जाएगा और PM किसान योजना का पैसा मिलना शुरू हो जाएगा। लेकिन इसके लिए आपको सभी दस्तावेज ऑफलाइन तरीके से और अप्लीकेशन के साथ और आधार कार्ड, बैंक डिटेल के साथ आपको अपने ब्लॉक में जाना है, उसके बाद ज़िले में जाना है। अगर दोनों जगह से आपका फॉर्म अप्रूव होगा तभी आपका राज्य सरकार की तरफ से अप्रूवल मिलेगा। उम्मीद करता हूँ जानकारी ज़रूर इसलिए लगी होगी। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।